Hello students, today I am studying about refractive index of science class 10th. What is refractive index? Means refractive index hota kya? Refractive index ek ratio hota hai light ka. Means alag alag medium mein light ki jo speed hoti hai उनके रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका जब भी रेशियो लेते हैं तो जनरली हम वैक्यूम से लेते हैं, पर वैक्यूम तो वैक्यूम देखते हैं सन से जब लाइट आती है तो अधिकतर वैक्यूम मिलता है, पर अप्रोक्स 16 किलोमीटर से यहाँ पे एयर हो जाती है, तो एयर में उसकी वेलासिटी और वैक्यूम में वेलासिटी में लिटिल डिफरेंस होता है। मीन्स जनरली हम यही वर्ड पाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर में लिटिल डिफरेंस होता है, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। मींस जब भी लाइट की वेलोसिटी के बारे में कहा जाए तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मींस वैक्यूम और इन एयर बोथ मीडियम में हम सेम मानते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम वर्ड क्यों यूज हो रहा है? इसका मेन रीजन हो रहा है कि जिस मीडियम में हम ट्रांसपेरेंट होगा मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक लाइट को हम विजुअल कर सकते हैं कि यहां तक उसकी लाइट रीच कर रही है, तभी तो हम इसको समझ पाएंगे। जो मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा उसके उसमें से लाइट क्रॉस हो रही है नहीं, इसको तो बता पाना मुश्किल होगा, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की ही बात करते हैं। जब भी लाइट की वेलोसिटी की बात होगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगी। इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। मींस वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, एंड इन एयर इट इज लिटिल लेस दैट इन वैक्यूम। मींस वैक्यूम में वैक्यूम से एयर में इसकी वेलोसिटी लिटिल लेस होती है, जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जनरली निग्लेक्ट कर दी जाती है। मींस दोनों में लाइट की वेलोसिटी सेम होने मानी जाती है, पर यदि उनमें से अलग से इस तरह का मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो जाता है कि वेयर इज द मोस्ट स्पीड ऑफ द लाइट, देन वी कैन ओनली टेल इट इज इन वैक्यूम नॉट इन एयर। मींस ओनली हम वैक्यूम वर्ड यूज करेंगे, एयर को नहीं, बट जनरली हम यही यूज करते हैं कि वैक्यूम में और एयर में दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, और अप्रोक्सीमेटली 3×10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर आल्सो। एयर में भी हम वही स्पीड मान लेते हैं। अब देखिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। इफ स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम भी वी, किसी मीडियम में उसकी वेलोसिटी को हम भी ले लेते हैं, एंड सी इन वैक्यूम देन रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम is called absolute refractive index of that medium be donate it y l। जो refractive index होता है इसे हम letter n के द्वारा donate करते हैं, और absolute refractive index refractive index equal to speed of light in vacuum upon speed of light in a medium तो यार एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम किससे डोनेट करते हैं, एन से। देयरफॉर एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हम क्या लिखे हैं यहां पे, मीडियम भी इन
इन ए मीडियम एंड सी इन वैक्यूम, वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी को हम क्या फाइंड कर रहे हैं सी, एंड अदर मीडियम में क्या ले रहे हैं वी, तो यार इक्वल टू सी अपॉन वी मींस रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम एंड रेशियो ऑफ स्पीड इन ए मीडियम इज नोन एट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, इसमें से एब्सोल्यूट वर्ड आया है, एब्सोल्यूट वर्ड की मीनिंग होती है एक कंपैरेटिव वर्ड होता है, जब किसी को हम किसी से कंपेयर करके कहते हैं तो कंपेयर में उसके बेस पे इसको बताया जाता है, डायरेक्टली इसको हम नहीं बता पाएंगे, जब कंपैरेटिव वर्ड होता है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, एल इसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड जब यूज करते हैं उसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि इसका कंपेयर वैक्यूम में वेलोसिटी, वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी से करके बता रहे हैं, इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।